नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज ब्लास्ट और मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और देखेंगे सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर। राज्यसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने नियुक्त कर दिए हैं प्रभारी। केंद्रीय मंत्रियों को अब सौंप दी है राज्यों में प्रभारी की जिम्मेदारी भी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को हरियाणा का प्रभारी बनाया गया है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को राजस्थान का प्रभारी बनाया गया। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी को कर्नाटक का प्रभारी बनाया गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को दरअसल महाराष्ट्र का प्रभारी बनाया गया है। तो ये लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है क्योंकि काउंटडाउन शुरू हो चुका है। राज्यसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। केंद्रीय मंत्रियों को राज्य में प्रभारी की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। सबसे पहले ये था कि प्रत्याशी कौन कौन होंगे, प्रत्याशियों के नामों का ऐलान। उसके बाद कल आखिरी तारीख थी, नामांकन दाखिल हो गया है और अब राज्यों में प्रभारी की जिम्मेदारी मंत्रियों को सौंप दी गई है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को हरियाणा का प्रभारी बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को राजस्थान का प्रभारी बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी को कर्नाटक का प्रभारी बनाया गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को महाराष्ट्र का प्रभारी बनाया गया है। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर अखबार में लेख आया है। इंडियन एक्सप्रेस में केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का यह लेख है। मई 2014 के बाद से देश में शुरू हुआ स्थिर सरकार का सिलसिला, नरेंद्र मोदी के युग में जागृत हुई राष्ट्रवाद की भावना। उन्होंने अपने लेख में ये लिखा है और ये भी कहा कि गरीबों को ध्यान में रखते हुए सरकारी योजनाएं जो है वो बनाई जा रही हैं। पिछले 8 वर्षों के दौरान केंद्र सरकार का फोकस ही बदल गया, अब हाशिए से केंद्र में आ गई है गरीबों की समस्याएं। तो पूरी मोदी सरकार, केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर अलग अलग तरीके से इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और अब अखबार में लेख भी आया है, इंडियन एक्सप्रेस में केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का यह लेख है। लिखा है, मई 2014 के बाद से देश में स्थिर सरकार का सिलसिला शुरू हो गया है। नरेंद्र मोदी के युग में जागृत हुई राष्ट्रवाद की भावना, गरीबों को ध्यान में रखते हुए बनाई जा रही है सरकारी योजनाएं। पिछले 8 वर्षों के दौरान केंद्र सरकार का फोकस भी बदल गया है, अब हाशिए से केंद्र में आ गई है गरीबों की समस्याएं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की राज्य स्तरीय कार्यशाला उदयपुर के नव संकल्प घोषणा पत्र के क्रियान्वयन पर चर्चा हुई है। दरअसल होटल कलाक सामेर में आयोजित हो रही कार्यशाला, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी सचिव गोविंद सिंह डोटासरा, राज्यसभा प्रत्याशी मुकुल वासनिक, प्रमोद तिवाड़ी, मंत्री डॉक्टर महेश जोशी, डॉक्टर बी डी कल्ला, टीकाराम जूली, हेमाराम चौधरी, सचिन पायलट, अमीन कागजी, वैभव गहलोत, इनके अलावा धर्मेंद्र राठौर, डॉक्टर चंद्रभान, जुबेर खान, मोहन प्रकाश समेत ये तमाम नेता मौजूद रहे। कार्यशाला में करीब 40 विधायक अपने साथ अपना लगेज भी लेकर आए हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर विधायकों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और 2 दिन का यह प्रशिक्षण है। उसके बाद विधायकों की उदयपुर में बाड़ाबंदी की जाएगी। 3 जून से उदयपुर में ताज अरावली होटल में विधायकों की बाड़ाबंदी की जाएगी, लेकिन उससे पहले प्रशिक्षण जो है वो शुरू हो गया है, ट्रेनिंग दी जाएगी और इसे लेकर कमर कस ली है प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने। राज्य स्तरीय कार्यशाला है, उदयपुर के नव संकल्प घोषणा पत्र के क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। होटल क्लाक सामेर में ये कार्यशाला आयोजित की जा रही है, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, पीसीसी सचिव गोविंद सिंह डोटासरा हैं, राज्यसभा प्रत्याशी मुकुल वासनिक हैं, प्रमोद तिवाड़ी हैं, मंत्री डॉक्टर महेश जोशी हैं, डॉक्टर बी डी कल्ला हैं, टीकाराम जूली हैं, हेमाराम चौधरी, सचिन पायलट, अमीन कागजी, वैभव गहलोत, धर्मेंद्र राठौड़, इनके अलावा डॉक्टर चंद्रभान, जुबेर खान, मोहन प्रकाश समेत नेता मौजूद रहे। तमाम मोर नेता भी हैं और इस कार्यशाला में करीब 40 विधायक जो पहुंचे हैं वो अपने साथ अपना लगेज लेकर आए हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर इन तमाम विधायकों को ट्रेनिंग दी जाएगी। 2 दिवसीय ट्रेनिंग है। इसके बाद विधायकों की उदयपुर में बाड़ाबंदी होगी और 3 जून से उदयपुर में ताज अरावली होटल में विधायकों की बाड़ाबंदी की जा रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की राज्य स्तरीय कार्यशाला चल रही है, उदयपुर के नव संकल्प घोषणा पत्र के क्रियान्वयन पर चर्चा है। जयपुर के होटल क्लाक सामेर में यह कार्यशाला आयोजित की जा रही है और कहा गया है कि 650 के लगभग डेलीगेट शामिल हुए हैं इस ट्रेनिंग में और कैंप का पहला दिन है। राज्यसभा चुनाव के कारण अजय माकन नहीं आ पाए, मंडल कांग्रेस कमेटियों का गठन भी होगा। 9 अगस्त से शुरू होने वाली है पद यात्रा पर चर्चा। राजनीतिक मसलों की कमेटी भी गठित की जाएगी, 10 से 12 सदस्य इसमें शामिल होंगे। राज्यसभा चुनाव के तत्काल बाद कमेटी बन जाएगी ये कहा गया है। वहीं लोकसभा और विधानसभा स्तर पर ऑब्जर्वर
लगाए जाएंगे, यानी चुनाव ऑब्जर्वर भी लगाए जाएंगे। लोकसभा और विधानसभा स्तर पर चुनाव ऑब्जर्वर होंगे राज्यसभा चुनाव में। तो पूरे तरीके से दंगल जो है वो तैयार है, दोनों ही पार्टियां कमर कस चुकी है। वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की राज्य स्तरीय कार्यशाला शुरू हो चुकी है। उदयपुर के नवसंकल्प घोषणा पत्र के क्रियान्वयन पर भी चर्चा हो रही है इस ट्रेनिंग में। जयपुर के होटल क्लार्क सामेर में दरअसल ये प्रशिक्षण कार्यशाला जो है आयोजित की जा रही है। इस दौरान ये भी जानकारी मिली है कि 650 के लगभग डेलीगेट्स इसमें शामिल हुए हैं। कैंप के पहले दिन कुल 40 विधायक भी पहुंचे अपने अपने लगेज लेकर। राज्यसभा चुनाव के कारण अजय माकन नहीं आ पाए हैं। मंडल कांग्रेस कमेटियों का गठन करने पर भी बात हुई है। 9 अगस्त से शुरू होने वाली पदयात्रा पर भी चर्चा होगी। राजनीतिक मसलों की कमेटी भी यहां गठित होगी और 10 से 12 सदस्य इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा राज्यसभा चुनाव के तत्काल बाद एक कमेटी बनाई जाएगी जिस पर लोकसभा और विधानसभा स्तर पर चुनाव ऑब्जर्वर लगाए जाएंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। होटल क्लार्क सावेर में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और उन्होंने कहा कि एक पद एक व्यक्ति के सिद्धांत पर भी कार्यशाला में चर्चा हुई है। मंत्री रामलाल जाट, गोविंद मेघवाल, महेंद्रजीत मालवीय ने संगठन से इस्तीफे दे दिए। हमने AICC को भेज दिए हैं, इनके पास उपाध्यक्ष के पद है। वहीं बोर्ड चेयरमैन संदीप चौधरी ने भी राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से रिजाइन दे दिया है। जसवंत गुर्जर, जिया उर रहमान और सचिन सरवटे ने एक पद छोड़ दिया। हीरालाल मेघवाल, यशपाल गहलोत, जाकिर गैसावत ने अपने पद से इस्तीफे दे दिए। हमने इनके इस्तीफे प्रदेश प्रभारी अजय माकन को भेज दिए हैं। एक पद एक व्यक्ति सिद्धांत और 5 साल तक एक ही पद पर रहने के कारण इन्होंने इस्तीफे दे दिए। जिला स्तरीय बैठक सुचारू करने पर चर्चा की जा रही है और आज शाम और कल डेलीगेट्स को सुना जाएगा। नव संकल्प के एजेंडे को नवगठित जिलों में निर्णय करने के निर्देश दिए हैं। तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद ये तमाम जानकारी उन्होंने साझा की। हैदराबाद में अब भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की जाएगी। 2 और 3 जुलाई को भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। इस बैठक में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। तेलंगाना में TRS के विकल्प के रूप में उभरने की रणनीति पर चर्चा होगी। तो तेलंगाना में TRS के विकल्प के रूप में उभरने की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। तो यहां पर भी इस तरीके से पॉलिटिकल ये बैठक होगी।